Hello student, this is Navneet and welcome to my channel e-learning Guruji. This is another video of the series class 12 Flamingo book chapter number 3 Deep Water. Deep Water, the author of this chapter is William O. Douglas. William O. Douglas ne ye chapter likha hai, ye iske author hai. To inka karyakal isme likha hai 1898 se leke 1980 tak jo hai inka time period tha. So this little story and summary about the writer and author. He was born in Maine, Minnesota, USA में Minnesota में पैदा हुए थे and after graduation के बाद जो है इन्होंने Bachelor of Arts जो इनकी जो subjects थे economics and English ठीक है ना with a Bachelor of Arts. तो Bachelor of Arts इन्होंने किस subjects की थी English and economics से. He spent his 2 years in teaching. उन्होंने 2 साल अपने teachings में यकीमा एक place था US में जहाँ इन्होंने अपने 2 साल teaching में लगाए. However, he got tired और वहाँ से जो है उनको जो है अच्छा नहीं लगा. He did not enjoy that experience and then he finally decided to pursue his legal career. Legal career में इन्होंने जो है अपना पढ़ाई करना शुरू किया, उसमें future बनाने की सोची. And then he met with Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. और जो है फ्रैंकलिन से मिलते हैं और उनके जो है Yale again another place है जहाँ पे ये मिले, advisor बने उनके और president जो है president के जो है advisor बने, advisor and friend to the president. ठीक है. Douglas was a leading advocate और एक बहुत बढ़िया जो है expert advocate थे जो है individual rights के ऊपर जो है काम करते थे. So, and then he retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और इन्होंने जो है एक सबसे लंबा टाइम वहां पे बिताया था 36 years का. ठीक है. Now the story begins. So let's read the story. So Douglas जो थे हमारे जो William O. Douglas. Now how the story begins. So he's talking about when he was like 3-4 years old, 3-4 साल का जब ये बच्चा था तो इनके फादर इनको जो है कैलिफोर्निया लेके जाते हैं एंड वहां पे लेके जाने के बाद जो है एक लेक में जो है ये नहाने के लिए जाते हैं. नहाते टाइम पे डगलस ऑलवेज हैड अ पैशन एंड ड्रीम दैट ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग एंड बिकम अ गुड स्विमर. तो उसके बाद उनके फादर जब वहां पे थोड़ा सा नहाते हैं, ये भी नहाते हैं वहां पे, तो जो छोटा बच्चा होता है तो जब ये नदी जो जो लहरें होती है पानी की, वो पानी से जो बहाव में इनके जो है नाक मुंह में पानी चले जाता है और ये थोड़ा डर के मारे इनके जो है एकदम पैरालाइज हो जाता है पूरा ब्रेन एंड एवरीथिंग. एंड जब उस तरह से इनके माइंड में जो है बुरी तरह से जो है पानी का जो बहाव है उस वजह से जो बहने के जो वजह से जो है डर पैदा हो जाता है. ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ इट. नाउ his father was laughing. His father laughed at it because his father knew that he would not be drowned and he would not be dead. उसके father जानते थे कि ये उससे कुछ harm नहीं होगा बच्चे को. That's why his father laughed. तो now the जो Douglas है हमारे जो writer है, now he is like 10 to 11 years old. 10 से 11 साल के हो गए and he wanted to learn swimming and that's why he goes for a coaching class के लिए जाते हैं swimming की. कहाँ पे जाते हैं? एक place है which is run by, जहाँ पे swimming सिखाते हैं. The place is run by YMCA pool. इसका नाम है YMCA pool, run by some church authorities और यहाँ पे जो है बच्चों को सिखाया जाता है. सो डगलस इज वेरी न्यू इन दिस यू नो स्विमिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड वन डे टू डे थोड़े से दिन होते हैं और वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं. तभी एक बड़ा लड़का आता है, ही इज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी हेल्दी है. ठीक है. एंड ही सेज टू हिम, क्या बोलता है उसको, हाई स्किनी बोलता है उसको ग्रीटिंग के हिसाब से. दैट मीन्स चिढ़ाते हुए बोलता है. एंड देन ही पिक्स हिम अप, उसको उठाता है, एंड थ्रोज हिम आउट आउट इन टू द वाटर. एंड जब वो पानी में फेंकता है उसको, तो पानी जो है डगलस जब पानी में चले जाता है एंड ही इज वेरी न्यू एंड ही डजंट नो हाउ टू स्विम. और डगलस जब पानी में जाता तो पूरा पानी के अंदर घुस जाता है और घुसते ही जो है डगलस अपने एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्टेड टू गिव अप एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई. वो मरना नहीं चाहते हैं. तो क्या स्ट्रेटजी रहती थी उनकी, कि जब वो 9 फीट का जो गहरा था इस एंड में, दूसरे एंड में तो 3-4 फीट का था वो स्विमिंग पूल, बट इस एंड में 9 फीट का रहता है. तो जब वो वहां जाते हैं, जब उनके पैर जैसे ही वो सिटिंग पोजिशन में जो है, जब वो पानी में गिरते हैं तो सिटिंग पोजिशन
पोजिशन होती है उनकी, तो जब वो 9 फीट के नीचे गहरे में उनके पैर नीचे टच होते हैं तो फिर वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, आई विल पुल माई सेल्फ, मैं जंप करके जो है नीचे से ऊपर की तरफ निकलूंगा. सो ही ट्राइज वंस ट्वाइस एंड थ्राइस एंड देन फाइनली ही इज लाइक टायर्ड ऑफ इट बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज हिमसेल्फ, हिज एंटायर बॉडी हैज यू नो ही स्वॉलोड सो मच वाटर, ही कुड नॉट ब्रीद, सो ही इज पैरालाइज कंप्लीटली. एंड देन फाइनली वट हैपन्स लेटर ऑन वेन कुछ समय बाद ही फाइंड्स हिमसेल्फ यू नो आउट ऑफ द वाटर एंड विद अदर बॉयज, अपने आप बाकी के दोस्तों के साथ जो है अपने आप को देखते हैं. और फाइनली दिस सिचुएशन हैज कम्प्लीटली यू नो टेकन ओवर हिज यू नो माइंड एंड ही इज टोटली टू मच स्केयर्ड ऑफ दिस दिस वाटर थिंग. ठीक है, पानी में जाने से वो बहुत डर रहे हैं एंड ही कुड नॉट इंजॉय एनी ऑफ लाइक द एक्टिविटीज सच एज फिशरीज, सच एज स्विमिंग एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही कैन नॉट इंजॉय. तो उसके बाद क्या होता है, जब वो पानी से बाहर निकाले जाते हैं तो जो लड़का होता है जो उनको धक्के देके पानी में फेंकता है, ही इज बीन उसको जो है थोड़ा सा डराते हैं लोग, थोड़ा सा डांटते हैं. तो नाउ डगलस हैज टेकन दैट फियर एंड यू नो एंड ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग. नाउ अब उसको स्विमिंग सीखनी है और उस फियर को जो है बाहर स्विमिंग तो पहले भी सीख रहा होता है पर अब उसको ढंग से स्विमिंग करनी है और अब जो वो फियर को उसको पूरा कंप्लीटली आउट करना, बिकॉज ही स्केर्ड सो मच यू नो कि ही कुड नॉट इवन थिंक अबाउट. थोड़ा सा बारिश भी होती है, छोटे मोटे जो भी पानी का बहाव होता है, टू मच केयर्ड. जब ये सब होता है देन व्हाट ही डज, वो अपने कोच को हायर करता है. कोच क्या है, उसको स्विमिंग पूल में जो एक रस्सा बांधते हैं उसके पेट में और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पीस बाय पीस उसको जो है सिखाते हैं कि पानी के अंदर जाना है, हाउ यू हैव टू यू नो आपको अपने पैर कैसे चलाने हैं, फिर पानी के अंदर में इनहेल एंड एक्सहेल कैसे करना है. सो दैट वे डगलस इज कम्प्लीटली, जब कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, डगलस कम्प्लीटली स्विमर बन जाता है, बढ़िया स्विमर बन जाता है. एंड नाउ डगलस स्विमर बनने के बाद भी ही ट्राइज यू नो वो अपनी जो उसका डर होता है ये पानी के साथ, वो जो लेक में जाता है कुछ लेक्स में ही ट्राइज ही गोज इन टू सम लेक्स एंड ट्राइज टू यू नो स्विम, बट अगेन ही फाइंड्स हिमसेल्फ अगेन सम काइंड ऑफ ट्रैप्ड इन टू द यू नो ट्रैप्ड, वो जो है फियर में ट्रैप हो चुके हैं. जब फियर में ट्रैप हो चुके थे फाइनली ही डिसाइड्स ही वॉन्टेड टू वर्क ऑन इट, ही नेवर गिव अप, राइट. ही वॉज वेरी वेरी पैशनेट, ही वॉज अ डेयर डेविल, वो बहुत स्ट्रांग पर्सन था, बहुत स्ट्रांग विल पावर थी उनकी. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, वो फाइनली एक दिन जाते हैं और रिवर में जो है पूरा बैक एंड फोर्थ जो है आगे पीछे एकदम चिल्ला चिल्ला के जो है स्विम करते हैं एंड दैट इज द वे ही कम्स आउट ऑफ दिस फियर. ठीक है, इस तरह से जो अपनी फियर से बाहर आते हैं. तो जब इस तरह से अपनी फियर से वो बाहर आते हैं तो दैट इज द टाइम ही रियलाइज दैट यस आई हैव कम आउट ऑफ माई फियर, और फिर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं. नाउ ही कैन एंजॉय all the benefits of you know knowing swimming and pani ke sath jo bhi benefits hota hai, jo bhi enjoyable moments hote hain, now he can enjoy. So this was the summary students, and I hope you like it, and let me do the questions one by one. So questions hamare paas hai isme. Question number, think as you read. The first one is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? Now, William Douglas speaks about the misadventure. What is the misadventure? Because he was waiting for his friends, and he was, that point of time, he was very new to this, learning swimming. And his he was thrown by a young boy, 18 years old boy, into the water, deep water. Or jahan pe usko bahut mushkil ka samna karna pad raha hai. And finally, he thanks God because he's alive. Theek hai, so that was the misadventure. Question number two. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? Ab dekho, jab wo pool mein jata, when he was thrown into the pool, he had a plan. He made. He was a very. He had a willpower that I'm not going to die. I'll give all I have and make a strategy. So quickly he makes a strategy that once his feet touches the ground, he'll pull, you know, he'll jump, he will push himself so that he can jump towards the you know top of the he could come out of the water. Is tarah se jo hai try karta apni strategy ko. So that was the willpower, and that was the only
ओनली थिंग डिस्कस्ड इन द चैप्टर जो उसको जिसने जो है जिस विल पावर ने उसको बचाया है. नाउ नंबर थर्ड, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. दिस वॉज अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस दैट हैज overtaken his mind, and now he could not even do a smallest thing with the water because he's completely trapped with the fear. So this was the effect that he had. Now let's move on to, there are a few more questions. Why was Douglas determined to get over his fear of water? Because he wanted to enjoy the water's benefit, the benefits that we all enjoy, like fisheries. Hum log फिशिंग करने जाते हैं, लोग स्विमिंग करते हैं, हम लोग यू नो बोटिंग करते हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स दैट ही वांटेड टू एंजॉय, एंड दैट्स व्हाई ही हैज फाइनली ही हैड डिसाइडेड दैट ही वुड वांट टू कम आउट ऑफ दिस वाटर फियर. नाउ नेक्स्ट, वी हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस. डगलस हैज हायर्ड अ इंस्ट्रक्टर, एंड द इंस्ट्रक्टर हैज हेल्प्ड हिम पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप, बाई यू नो रोप उसके बांध देना है चारों तरफ, एंड देन यू नो हेल्प हिम टू इनहेल एंड एक्सहेल एंड क्रॉल इन द वाटर. सो इस तरह के स्टेप्स दैट हैज हेल्प्ड हिम अ लॉट. नाउ द लास्ट वन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर. जो पानी का डर था, हाउ डिड ही केम टू नो. वन फाइन डे, द लास्ट टाइम ही वेंट टू द रिवर, एंड बैक एंड फोर्थ वो चिल्ला चिल्ला के जो है बोल रहे हैं द लाइन्स. ही से ऑल वी have to fear is fear itself. That is the exact line he says. All we have to fear is fear itself. ठीक है, so ये सब चिल्लाते हुए जो, and that was the time he conquered all over his fear that he had on you know with water. अच्छा, now understanding the text, how does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as the almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. Now, how does it makes because it makes Douglas, you know, a reader a sense of panic, because when the Douglas was child and he was drowned into the water when he was 3-4 years old. So that fear, 20%, that was the time when he got this fear in his head. And then later on, when the boy pushed him into the lake, the fear was completely overtaken his body and made him paralyzed towards the water activity. ठीक है, तो this was not a panic situation though, a sense of panic, but yes, we enjoyed it again. Next question we have, how did Douglas overcome his fear of water? ये हम लोगों ने पहले ही discuss कर दिया है, because instructor उसको थोड़ा सा teach करते हैं, and then he finally decides to go to the lake. जहाँ पे वो स्विमिंग करके हुए चिल्लाते हैं, कि चिल्लाते क्या, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. एंड नेक्स्ट, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंकरिंग ऑफ इट. व्हाट लार्ज मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. अब इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्ज मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, मीनिंग डज ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस. बिकॉज व्हेन वी वर चाइल्ड, we definitely as per the Douglas and the story, that when he was child he was completely overtaken by this situation, the water situation, and now he found it very important to come out of the fear. So normally what nowadays what the tendency of our students or the young boys are, they'll give up. So Douglas had a strong willpower and he did not give up. Theek hai, so those are the questions and answers. So I hope you liked it, and please do share and subscribe for the channel, and let me know if you want me to cover some more deep videos. Thank you and have a great time.